हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज़ वीक ट्वेंटी फ़ोर क्लास फिफ्थ की वर्कशीट बच्चों लेसन ट्वेंटी टू हु विल डू दिस वर्क तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए रेड बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द गिवन क्वेश्चन केयरफुली एंड सेलेक्ट द राइट आंसर हु क्लीन्स आर क्लास रूम एंड स्कूल बच्चों हमारा क्लास रूम और स्कूल कौन क्लीन करता है राइट right आंसर है बच्चों स्वीपर हु हेल्प अस इन आर वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क बच्चों हमारे अलग अलग कामों में हमारी कौन हेल्प करता है हमारे सहायक हमारे हेल्पर्स आर हेल्पर्स वेयर इज द साबरमती आश्रम सिचुएटेड बच्चों साबरमती आश्रम कहाँ पे है गुजरात हु वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों जो हमारा भारत का संविधान है ठीक है उसकी जो कमेटी है वो किसने बनाई थी उसके चेयरपर्सन कौन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन टू रीड द फॉलोइंग सेंटेंस इज केयरफुल एंड मार्क् राइट और रॉन्ग देयर इज नो वर्क विच मे बी टर्म एज स्म और चीप बच्चों यहाँ ऐसा कोई भी काम नहीं है जो छोटा या स्कूल क्लीन दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बच्चों ये सिर्फ स्वीपर की ही नहीं हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारे स्कूल को क्लीन रखें वी शुड नॉट हेल्प अदर्स टू डू देयर वर्क इफ नीडेड बच्चों हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए उनके कामों में अगर उन्हें ज़रूरत है दिस इज़ फॉल्स हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस दिस इज ट्रू इन साबरमती आश्रम ईच एंड एवरी पर्सन हैड टू परफॉर्म ऑल क्लीनिंग एक्टिविटीज़ कंपल्सरी दिस इज़ ऑल्सो ट्रू नेक्स्ट बच्चों महात्मा गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोथ कम अगेन अनटचेबिलिटी इन इंडिया दिस इज़ ऑल्सो ट्रू नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों व्हाट वेस्ट मैनेजमेंट इज अ बिग प्रॉब्लम इन आर कंट्री बच्चों वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दिस इज ऑल्सो ट्रू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री वॉट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ बींग परफॉर्म इन दिस पिक्चर मेक अ लिस्ट ऑफ़ फाइव एक्टिविटीज़ ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली एंड आइडेंटिफाई बच्चों यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है काम करने का गाय का दूध निकालने का ठीक है गाड़ी चलाने का सब्जी बेचने का स्वीट्स बेचने का घर को पेंटिंग करने का यहाँ देखिए सभी अलग अलग जो काम हैं आप सभी को यहाँ पे देखिए दिखाए गए हैं सभी तरह से ठीक है तो आप सभी को यहाँ पे कोई भी सिक्स एक्टिविटीज आपको यहाँ लिखनी है तो चलिए बच्चों लिखते हैं क्लीनिंग वर्क साफ सफाई का काम मिल्किंग एंड सेलिंग making and selling sweets driving treating and construction work okay students नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है बच्चों व्हाट काइंड ऑफ वर्क और जॉब यू वांट टू डू इन फ्यूचर आफ्टर बीइंग एल्डर एंड बाय बच्चों यहाँ बोला गया है कि जब आप बड़े हो जाओगे तो आप कौन सा काम करना चाहेंगे या कौन सी जॉब करना चाहेंगे फ्यूचर में और क्यों तो आप सभी यहाँ लिखेंगे वैन आई ग्रो अप जब मैं बड़ा हो जाऊँगा आई वॉन्ट टू बिकम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुझे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना है डी एम क्यों बनना है बच्चों देखिए एंड वॉन्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर इन आर एरिया बच्चों मेरे एरिया में जो पानी और बिजली की समस्या है उसे दूर करूँगा सॉल्व करूँगा एंड ऑल्सो वॉन्ट टू सर्व द कंट्री इन अदरवेज और अलग अलग तरीके से कंट्री को भी सर्व करूँगा यानी कि हेल्प करूँगा नेक्स्ट बच्चों स्वीपर प्लेज अ ग्रेट रोल टू तो कीप आर सिटी दैली क्लीन ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली एंड राइट एनी पोएम और स्लोगन और आर्टिकल शोइंग रेस्पेक्ट टूअर्स दैम बच्चों स्वीपर्स जो हैं वो हमारी सिटी को क्लीन रखने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं तो इनके लिए कोई भी आप पोएम स्लोगन या फिर आर्टिकल आप यहाँ लिखेंगे आप सभी लिखेंगे एवरीवेयर सैनिटेशन वर्कर्स क्लीन एवरी डे इन एवरी सिचुएशन Which has reduced the number of health problems in the world? We should respect them. हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए नेक्स्ट बच्चों लाइफ स्किल स्मार्ट सिटी ग्रीन सिटी चेंजेस इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्मार्ट और ग्रीन सिटीज़ आर दो सिटीज़ दैट प्रोवाइड और प्रमोट द मोस्ट सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल विच इंक्लूड पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट गुड क्वालिटी वाटर रिसाइकलिंग प्रोग्राम पार्क प्लान सिटीज एंड इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ देखिए बच्चों हमें यहाँ बोला गया है कि स्मार्ट सिटी या ग्रीन सिटी क्या होती है जो कि मोस्ट सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल हमें प्रोवाइड करती है जिसमें पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होता है वाटर की गुड क्वालिटी होती है रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स होते हैं पार्क्स होते हैं प्लान सिटीज़ होते हैं और इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ होती है देयर इज़ अ नीड टू चेंज द मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट टू हैव वेरी लेस इम्पैक्ट ऑन द एन्वायरमेंट एंड कन्वर्ट आ सिटी इन टू ग्रीन एंड इन स्मार्ट सिटी देयर इज़ अ नीड टू चेंज द मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट एज इट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन देखिए बच्चों हमें बोला गया है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उस पर बहुत इम्पेक्ट पड़ता है ठीक है जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन है उनसे ठीक है इससे क्या होता है कि जो एयर पॉल्यूशन है वीकल से जो जुआ धुआँ निकलता है वो हमारे पॉल्यूशन क्रिएट करता है हमारे हवा को जाके उसे दूषित करता है तो सबसे पहले हमें मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट चेंज करना है ताकि जिससे हमारी जो एनवायरनमेंट है उस पर लेस इम्पैक्ट पड़े और हमारी सिटी ग्रीन या स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट हो जाए ठीक है एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन वी नीड टू यूज़ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द सिटी बच्चों हमें सिटी में कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट यूज़ करने चाहिए सी एन जी व्हीकल मेट्रो ट्रेन टू वॉक साइकिलिंग कार पुलिंग एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेक्स्ट बच्चों एक्टिविटीज़ फ़ॉर स्टूडेंट एनकरेज एटलीस्ट टू पीपल इन योर फैमिली एंड नेबरहुड टू यूज़ द राइट ट्रांसपोर्टेशन फ़ॉर द बेटरमेंट ऑफ़ आर एनवायरमेंट बच्चों हमारे एनवायरमेंट के लिए जो बेटर है वो वाले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमें यूज़ करने हैं आप सभी को ऐसे घर में या नेबरहुड आस पड़ोस के दो लोगों को एनकरेज करना है

पट्टी एंड तिलपट्टी एक्सेट्रा इन द डाइट ऑल दिस वुड हैव बीन वेरी बेनिफिशियल फॉर द बॉडी इन विंटर देखिए बच्चों आप सभी को बोला गया है कि आप सभी को ये खाना अपने डाइट में इंक्लूड करना है बिकॉज बच्चों सर्दियों में ये सब हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं ओके okay? नेक्स्ट है बच्चों एक्टिविटी मेक अ चार्ट बाय क्लासिफाइंग द क्लोथ वॉन ड्यूरिंग समर विंटर एंड रेनी सीजन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड पेरेंट्स इन दिस वर्क तो बच्चों देखिए आप सभी को एक चार्ट बनाना है जिसमें आप सभी को रेनी बरसात में गर्मी में सर्दी में कौन कौन से आप कपड़े पहनते हैं उसका आप सभी को एक क्लासीफाई करना है गेम प्ले यानी गेम प्लेड इंडोर इंडोर बच्चों घर के अंदर खेले जाने वाले खेल बहुत सारे होते हैं जैसे लूडो चेस कैरम तो ये खेल आप सभी को खेलना है स्पेशल टू अवॉइड कोरोना एंड एनी अदर डिजीज अप्लाई फेस मास्क फॉलो फिजिकल डिस्टेंस सैनिटाइज हैंड्स एंड वॉश फ्रीक्वेंटली नेक्स्ट बच्चों डेली रूटीन इंक्लूड द फॉलोइंग हैबिट इन योर डेली रूटीन बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे टेक अ अबार डेली ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट अ बैलेंसड डाइट अवॉइड टचिंग योर फेस एंड वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम तो बच्चों इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को सॉल्व करना है आई होप बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों अगर आप सभी ने मेरा वीडियो देखा है आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को ज़रूर लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर लिख कर बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए रेड बटन दबाइए और सभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो हैव नाइस डे स्टूडेंट्स